वेलकम टू डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ डाइफिनहाइड्रामीन, जो कि एक H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सिंपली एंटी हिस्टामिनेट ड्रग जो कि H1 रिसेप्टर पे काम करती है। इसकी सिंथेसिस कैसे है करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है डाइफिनहाइड्रामीन सिंथेसिस का, डाइफिनाइल मीथेन है। डाइफिनाइल क्यों, क्योंकि ये देखिए दो फिनाइल ग्रुप हैं, और मीथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन का CH2। इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, ब्रोमीन को इस तरीके से लिख लिया BR-BR, इसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तब क्या होता है, डाइफिनाइल मीथेन का ये H ब्रोमीन के इस BR से रिएक्शन करके HBr के रूप में निकलता है। फिर क्या होता है, ये जो बी आर है वो डायरेक्टली अटैच हो जाती है, ये देखिए, तो प्रोडक्ट बनता है ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन। अब ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन इस कंपाउंड से रिएक्शन करता है, इसका नाम है डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल। ये डाइमिथाइल क्यों, क्योंकि देखिए दो मिथाइल है, अमीनो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है, इथ क्यों, क्योंकि दो कार्बन का CH2 है, एन क्यों, क्योंकि पूरा कार्बन सैचुरेटेड है, ऑल क्यों, क्योंकि OH। ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन रिएक्शन करता है डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके प्रेजेंस में होता है सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। उस समय क्या होता है, ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन का ये बी आर डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल का ये एच दोनों आपस में रिएक्शन करके एच बी आर के रूप में निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, ये इतना पार्ट ये डायरेक्ट इस कार्बन से ऐड हो जाता है। ये देखिए, ये डाइमिथाइल अमीनो का इतना वाला पार्ट, ये पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट ऐड हो गया इस कारण से, ठीक है, इसके कारण से, ये वाला कारण से, तो आपका प्रोडक्ट बन गया डाइफिनहाइड्रामीन।